नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेटेलिक रेडियस, डी ब्लॉक का जो रेडियस है वो। तो इसमें जो पहले तो हल्का सा जो थ्योरी हमने पढ़ा इसके बारे में वो डिस्कस कर लेते हैं। रेडियस के बारे में, मेटेलिक रेडियस जो है वो 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज नीचे जाने पे ग्रुप में बढ़ता है रेडियस, क्योंकि एक शेल एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, 4D सीरीज और 5D सीरीज का रेडियस ऑलमोस्ट सेम होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, दूसरी बात ये थी। तीसरी बात, एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे रेडियस पहले कम होता है फिर हल्का सा बढ़ता है, ये 3D का तो आप याद रखना, निकल तक कोबाल्ट और निकल का ऑलमोस्ट सेम है और निकल के बाद बढ़ जाता है, ये बातें याद रखना ठीक है। ये कम क्यों होता है? कम होता है क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट बढ़ जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेते हैं ठीक है। तो कंपेयर द एटॉमिक साइजेस ऑफ फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल विद दोज ऑफ सेकेंड एंड थर्ड इन रिस्पेक्टिव वर्टिकल कॉलम्स, मतलब वर्टिकल कॉलम मतलब ग्रुप में पूछ रहा है, तो किसको कंपेयर करने के लिए बोल रहा है? 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज। 3D सीरीज को फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं, 4D सीरीज को सेकेंड ट्रांजिशन, 5D सीरीज को थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, तो उनके साइज कंपेयर पूछ रहा है। तो देखो क्या होगा, द एटॉमिक साइज ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज इज स्मॉलर देन दोज ऑफ सेकेंड एंड थर्ड, मतलब 3D सीरीज 4D और 5D से छोटी होती है, बट ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन द एटॉमिक साइज ऑफ सेकेंड सीरीज एलिमेंट्स आर नियरली सेम एज थर्ड सीरीज एलिमेंट्स इन द कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिकल, सेम वर्टिकल ग्रुप, सेम वर्टिकल ग्रुप में थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स का साइज ऑलमोस्ट सेम होता है। रीजन क्या है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो ये देखो ये लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना, ग्राफ दिखाया हुआ, 3D का कम है, 4D 5D का ऑलमोस्ट सेम है। नेक्स्ट देखो,